सो है गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, लॉकडाउन का पीरियड है, बहुत सारे इंडिया के क्षेत्रों में ख़त्म हो रखा है। इसी वजह से जो ई कॉमर्स साइट्स हैं उन्होंने डिलीवरी चालू कर दी है। मतलब वहाँ पे आप मोबाइल जो भी सामान है आप खरीद सकते हैं, मोबाइल एक्सेट्रा भी आप खरीद सकते हैं। आपको कभी भी अगर मोबाइल खरीदना है तो आपको क्या ध्यान में रख के खरीदना चाहिए? कोई भी टेक यूट्यूबर पता नहीं क्यों इस टॉपिक को कवर नहीं करता है। शायद आप सच माने तो उन्हें पैड किया जाता है, कंपनीज पैड करती हैं। तो मैं 100% बोलता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये पर्सनल मेरा ओपिनियन नहीं है, ये सच्ची बात है। पहली बात, आप देख लीजिए आईफोन 10X मैक्स आप उठा लीजिए। इसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, रियर में 7 मेगापिक्सल का कैमरा है। आगे इसका प्राइस कितना है? लॉन्च हुआ था तो 1 लाख था, अभी 70,000 रुपये है। अभी देखिए आप सैमसंग का S20 उठा लीजिए, इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। पोको X2 में, रियलमी X2 में 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। मतलब कैमरा है। अब देखिए यहाँ पर ये है कैमरा का क्या है गिमिक, मैं बताता हूँ आपको। यह है सेंसर साइज़, आपके मोबाइल में इससे बड़ा सेंसर लग नहीं सकता, ठीक है। सेंसर साइज़ इतना है, इसी के 12 टुकड़े कर दिए, ठीक है, 12 टुकड़े कर दिए, तो 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3, ठीक है, पिक्सल ही मेगा पिक्सल, 1 मेगा पिक्सल, 2 मेगा पिक्सल, तो टोटल 12 मेगा पिक्सल हो गए। सेम साइज सेंसर का 12 12 पीस हो गए उसके। तो एक सेंसर को, एक मेगा पिक्सल को आपका सॉफ्टवेयर उसको प्रोसेस करता है, उसमें RGB कॉन्ट्रास्ट जो भी ये सब कुछ उसमें कवर करता है। तो एक ऐसे ऐसे 12 ठोरे जो उसके पार्ट हैं एक फ़ोटो की, तो आपके सामने उसको प्रोसेस करने के बाद उस फोटो को एक अच्छी सी जेपिक फ़ोटो बन के आती है आपके पास। अब देखिए जो सैमसंग का 108 या 64 मेगापिक्सल का कैमरा है या सोनी का है, तो उसका उसी सेंसर के साइज़ जो साइज़ है सेम साइज़ है, उसी साइज़ को 108 बार काटा गया है, 108 बार टुकड़े किए गए हैं उसके सेम साइज़ को। जो साइज़ हमारा सेम है, 12 मेगापिक्सल में भी सेंसर समान है और 108 मेगापिक्सल में भी सेंसर समान है, बट उसके टुकड़े कर दिए हैं जिस वजह से आपके सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है, बट उसकी डिटेल, उसकी उसके अंदर जो डिटेल्स है वो बढ़ गए हैं। लेकिन जो आँखों को अच्छा लगे, जो एक्चुअल फ़ोटो होनी चाहिए जो कि सॉफ्टवेयर का काम है करना, वो नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर नहीं कर पा रहा था, इसीलिए आपने 108 मेगापिक्सल कर दिए ताकि लोग गिमिक में आ जाएं और वो देखें 12 मेगापिक्सल से अच्छा तो 108 मेगापिक्सल ले ले, 64 मेगापिक्सल इधर, 32 मेगापिक्सल सेल्फी, ऐसा, ठीक है, ऐसे चलता है। अब देखिए, सिर्फ मैं कैमरे की बात अभी कर रहा हूँ, यहाँ पर आप रैम ले लीजिए, 12 GB रैम, 10 GB रैम, 8 GB, 6 GB रैम। अभी भी आईफोन क्या, आईफोन कितना उठा यूज़ कर रहा है? क्योंकि उन्होंने R&D लगाया है, सबसे ज़्यादा R&D जो लगाया है वो लगाया है डिज़ाइन में, सॉफ्टवेयर में, इससे ज़्यादा उसमें उन्होंने किसी चीज़ में लगाया ही नहीं है। लेकिन जो जो नई नई कंपनियाँ हैं, रियलमी, MI, इन्फिनिक्स, ये जो कंपनियाँ हैं, इन्होंने, इनके पास सॉफ्टवेयर है ही नहीं, इन्होंने सॉफ्टवेयर अपनाया ही नहीं, सॉफ्टवेयर है ही नहीं, इसलिए इनके पास क्या ऑप्शन बचता है? हार्डवेयर का। हार्डवेयर अच्छा अच्छा जो बिल्कुल नया होता है, बिल्कुल जो अट्रैक्ट कर सकता है यूथ को, जो थोड़ा जो जानते हैं टेक को, जो जो प्रोसेसर को जानते हैं। अब देखिए आपके दिमाग है, आपका दिमाग है, ठीक है, आपका दिमाग कितना, मतलब पूरा यूनिवर्स है आपका दिमाग, कितना आप खोल सकते हैं ये आपके सॉफ्टवेयर, आपकी मेंट, आपकी जो चाहत है, आपकी जो जिज्ञासा, उस पर डिपेंड करता है। यही सॉफ्टवेयर है आपका, और जो मेंटल है ये आपका हार्डवेयर है, ब्रेन जो है यही आपका हार्डवेयर है। तो देखिए ये जब कॉम्बिनेशन हाई नहीं होगा तो आप कितना ज़्यादा ही दिमाग दे दें, सबका दिमाग समान होता है, आप कितना ज़्यादा ही दिमाग बड़ा हो जाए, कोई भी कंट्री का दिमाग हो, अलग अलग हो, तो यहाँ पर आपकी जो सॉफ्टवेयर है जिज्ञासा वही जागनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको हार्डवेयर से ज़्यादा सॉफ्टवेयर पर ध्यान देना ज़रूरी है। हाँ जी गाइस, मैं यूज़ कर रहा हूँ रियलमी X2 और मैं इसमें सच्ची बात आपको बताऊँगा, तो इसमें है 730G का प्रोसेसर जो कि लेटेस्ट है। 730G यूज़ कर क्या है, गेमिंग के लिए आता है, लेकिन फिर भी गेमिंग होने के बावजूद इसमें हीटिंग, फ्रेम ड्रॉपिंग जैसे इशूज़ होते हैं जो कि 2018 की याद दिलाते हैं मुझे, 2020 वाली याद नहीं दिलाते हैं, ठीक है। रियलमी X2 बोल दो। अभी देखिए, मैंने शुरुआत में बोला था कि जो टेक यूट्यूबर्स हैं और जो वेबसाइट्स हैं ये क्या पैड हैं? हाँ जी, इनको पैड किया जाता है और ये बस हार्डवेयर को देख के बता देते हैं आपको, क्योंकि आप सच के पीछे नहीं जाते हैं जो सच क्या है। तो मैं यहाँ पर मैं आपको क्या रिकमेंड करूँ, खरीदें क्या आप?
यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं हो जाती। तो मैं आपको अवॉइड करना चाहूँगा कि आप नए ब्रांड के फ़ोन्स को ना ख़रीदें। आप सैमसंग, नोकिया, आईफोन तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट नोकिया, सैमसंग जो कि एंड्रॉयड पे बेस्ड है, प्योर एंड्रॉयड है, उनको आप मैं प्रेफर करने को बोलूँगा। सैमसंग के जो डिवाइसेज हैं, कुछ अच्छे अच्छे डिवाइसेज हैं। पहले जो सैमसंग की जे सीरीज थी, यकीन माने माइंड ब्लोइंग थी, महंगी थी लेकिन माइंड ब्लोइंग सीरीज थी। वो बहुत ज़्यादा कंपेटेबल, बहुत ज़्यादा बैलेंस डिवाइस था वो जे सीरीज, मानता हूँ। लेकिन जब जे एट आया तो बैलेंस नहीं था। मैं जे एट को ऐसा मानता हूँ, जे सेवन को, जे सीरीज़ को ऐसा मानता हूँ। तो सैमसंग के कुछ आने वाले एक दो वीडियो में बताऊँगा कि आपको कौन सी सीरीज़ में कौन कौन से डिवाइस खरीद सकते हैं। और आप ये जो गिमिक इन कंपनीज ने तैयार कर रखा है, 64 108 मेगापिक्सल का, 10 GB 12 GB रैम और 3-4 कैमरा, ये सब जो तैयार कर रहा है, इन सब को छोड़ के आप क्या ले सकते हैं मोबाइल, उनको बताऊंगा। और अगर आप मेरी बात से यकीन नहीं करते हैं, एग्री नहीं करते हैं, तो मेरी वीडियो देख लीजिए। एक दो नहीं, बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं रियलमी अपडेट पे। आप सर्च मारे रियलमी अपडेट मिस्टर टेक जी, बहुत सारी वीडियोज़ आएंगे, उनके कमेंट पढ़ के देखिए। इतने सारे सॉफ्टवेयर अपडेट पुश किए जा रहे हैं रियलमी में, इतने सारे सॉफ्टवेयर अपडेट पुश किए जा रहे हैं कि आप तंग हो जाओगे। भाई रियलमी नहीं, MIUI भी ऐसे ही करता है। क्यों? उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, सॉफ्टवेयर ही उनका बैलेंस नहीं है। तो आपका जब सॉफ्टवेयर अपडेट ही बैलेंस नहीं है, तो आपके अंदर जो हार्डवेयर लगा हुआ है, तो उसके पूरी तरह से निचोड़ कैसे ले लोगे? क्योंकि तुम्हारे पास तो जिज्ञासा ही नहीं है, तो दिमाग का पूरा यूज़ कैसे कर पाओगे? ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगा कि कौन से बजट में कौन सा डिवाइस बेस्ट है। लेकिन वो कुछ ओल्ड मॉडल भी हो सकते हैं, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। मिलता हूँ वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है तो लाइक करना। मैं हूँ सलमान, अभी आप देख रहे थे अपने भाई का मिस्टर टेक जी चैनल। बाय, ध्यान रखिए अपना। बाय।